हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र अंतर्गत घटित सुमित गुप्ता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक हत्या आरोपी वेद प्रकाश आला कत्ल तमंचे सहित गिरफ्तार। नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज प्रभारी निरीक्षक नगर श्री दीक्षित त्यागी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सुमित गुप्ता का हत्या आरोपी वेद प्रकाश महेश वाटिका कॉलोनी अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वेद प्रकाश को उसके घर से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सुमित गुप्ता व वेद प्रकाश आपस में रिश्तेदार थे। अभियुक्त की बेटी कविता का रिश्ते में देवर लगता था सुमित गुप्ता। अभियुक्त ने 3 लाख रुपये उधार लिए थे मृतक सुमित गुप्ता से। आपको बता दें कि सुमित गुप्ता अभियुक्त की बेटी कविता पर रखता था बुरी नज़र, जिस कारण अभियुक्त वेद प्रकाश ने पैसे देने के बहाने मृतक को पंचवटी बम्बा पर बुलाकर दिनांक 11 जून 2021 को रात का फ़ायदा उठाते हुए कर दी थी उसकी हत्या और मौके से हो गया था फरार। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। ये रिपोर्ट देखिए। क्या मामला था और क्या निकल के आया सर? देखिए, दिनांक 11 जून को शाम को लगभग 8:15 के आसपास पंचवटी बम्बे के पास सुमित गुप्ता नाम के कथित वकील, जिसकी उम्र लगभग 26-27 वर्ष है और LLB पास करने के बाद जो यदा कदा कचहरी अपने पिता के साथ जाता था, क्योंकि इसके फादर अशोक गुप्ता भी एक वकील हैं, और इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में बम्बे पर हत्या की गई थी। और लगातार हमारी कई टीमें इस पर बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रयास कर रही थी, कोई क्लू नहीं निकल रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्य और सुरागरसी पतारसी से घटना का आज अनावरण हुआ है। और इसमें कहानी निकल के आई है कि जो मृतक है इसका अपनी सगी भाभी से जबरन अवैध संबंध इसने बना लिए थे, जिसकी शिकायत वो अपने पिता से करती थी, और इसके साथ ही साथ इसकी भाभी ने 3 लाख रुपए इस लड़के से, जो इसके पिता के पैसे थे, अपने पिता को दिलवाया था। तो पैसे न देने पड़े और बार बार ये लगातार अवैध संबंधों को लेकर के इसका मानसिक शारीरिक उत्पीड़न करता था। इन दोनों घटनाओं के बीच में जो इसकी सगी भाभी है उसके पिता के द्वारा ये घटना की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेद प्रकाश नाम है, जो उसी कस्बे में ही खुर्जा नगर कस्बे में रहते हैं और इसकी भाभी के पिता हैं। उनके द्वारा भी घटना की स्वीकारोक्ति की गई है। दिन के समय ही इनके स्तर पर यह स्वीकार कर लिया गया था कि शाम को मिलेंगे और मुझे कहीं से पैसे मिलने वाला है, तुम्हारे पैसे वापस करूंगा। इस लालच में ये मृतक सुमित बम्बे की तरफ चला गया, वहाँ अंधेरा था और कोई आसपास उधर से गुजरने वाला भी नहीं था, तो वहीं पर इसकी तमंचे से गोली मार करके हत्या की घटना की गई थी। फिलहाल अभियुक्त का अनावरण कर लिया गया है, अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। हापुड़ और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।